सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 25वां मुकाबला कोलकाता और दिल्ली की टीम के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए दर्शकों में एक अलग ही आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार जब यह दोनों ही टीमें आमने सामने थी तो दोनों ही टीमों के बीच में एक सुपर ओवर हो गया था जिसे दिल्ली की टीम ने जीत लिया था। साथ ही यह दोनों ही टीमें आईपीएल 2019 की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। ऐसे में यह बात तो तय है कि जब यह दोनों ही टीमें एक दूसरे के आमने सामने एक बार फिर से होंगी तो मुकाबला तो टक्कर का होगा ही। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट maninblue.in पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों बात अगर सबसे पहले कोलकाता की टीम की करी जाए तो आपको बता दें कि इस टीम के लगभग सभी खिलाड़ी फिलहाल आईपीएल 2019 में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टीम ने फिलहाल आईपीएल 2019 में 6 मुकाबले खेले जिनमें से 4 में जीत भी दर्ज करी है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की टीम की बात करी जाए तो दिल्ली की टीम भले ही संघर्ष करती हुई नजर आई है, लेकिन दिल्ली की टीम ने भी 6 में से 3 मुकाबले जीत लिए हैं। साथ ही अगर आईपीएल के इतिहास की बात करी जाए तो इन दोनों ही टीमों के बीच में आज तक कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 13 मुकाबलों में जहां कोलकाता की टीम जीती है तो वहीं 10 मुकाबलों में दिल्ली की टीम ने भी फतह हासिल करी है। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली इस कोलकाता की टीम में आंद्रे रसल से लेकर सुनील नारायण और क्रिस लिन जैसे धाकड़ खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इस टीम में बल्लेबाज के तौर पर दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा और नीतीश राणा जैसे घरेलू खिलाड़ी भी मौजूद हैं। वहीं टीम की गेंदबाजी की कमान रहती है कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में, जो कि फिलहाल तो इस सीजन में धाकड़ प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की टीम की बात करी जाए तो इस टीम में भी नामी चेहरे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में चल रही इस टीम में पृथ्वी शॉ से लेकर ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी मौजूद है जो कि किसी भी मुकाबले को पलटने का दम रखते हैं। साथ ही इस बार के आईपीएल के सीजन में अब तक तो कगिसो रवाड़ा ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से सबको लुभाया है। साथ ही दिल्ली की टीम में हनुमा विहारी से लेकर क्रिस मॉरिस जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी भी मौजूद है जो कि दिल्ली की टीम को और मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात तो यह है कि कोलकाता की टीम फिलहाल आईपीएल 2019 की पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली की टीम छठे नंबर पर। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम आज दोबारा कोलकाता की टीम को हराकर अपने इस अंतर को कम करना चाहेगी और पॉइंट्स टेबल में अपनी रैंकिंग को भी सुधारना चाहेगी। लेकिन दोस्तों इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पिछला मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में दिल्ली में खेला गया था। दोस्तों बात अगर खासतौर पर ईडन गार्डन की करी जाए तो आपको बता दें कि यहां पर खेले जाने वाले 90% मैच तो कोलकाता की टीम जीत ही जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम के लिए यह मुकाबला किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं होगा। तो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि इस मुकाबले के लिए क्या हो सकती है कोलकाता की टीम की प्लेइंग 11। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे सुनील नारायण व क्रिस लिन। वहीं इस टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए दिखेंगे नीतीश राणा, रॉबिन उथप्पा, कप्तान दिनेश कार्तिक व बल्लेबाज शुभमन गिल। टीम में एक तेज गेंदबाज व ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे आंद्रे रसल, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा रहेगा पीयूष चावला और कुलदीप यादव के हाथों में। साथ ही टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर रहेंगे प्रसिद्ध कृष्णा और हैरी गर्नी। दोस्तों बात अगर दिल्ली की टीम की प्लेइंग 11 की करी जाए तो इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे शिखर धवन व पृथ्वी शॉ। वहीं मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कॉलिन इंग्राम व बल्लेबाज क्रिस मॉरिस। साथ ही टीम में ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे राहुल तिवातिया, तो वहीं तेज गेंदबाजी की कमान रहेगी कगिसो रबाड़ा और आवेश खान के हाथों में। टीम में स्पिन गेंदबाजी आपको कराते हुए दिखेंगे अमित मिश्रा, तो वहीं संदीप लमिछाने। दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें एक दूसरे पर भारी पड़ती हुई दिख रही हैं। कोलकाता की टीम के पास जहां ज्यादातर विदेशी नामी खिलाड़ी हैं, तो वहीं दिल्ली की टीम घरेलू खिलाड़ियों से भरी हुई है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है इस घमासान मुकाबले में जब दिल्ली और कोलकाता की टीम आमने सामने होगी तो कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, दिल्ली या फिर कोलकाता? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।